नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रिकेट एंगल पे। मैं हूं आपका दोस्त शुभम मिश्रा। तो आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के लीग स्टेज का आखिरी मैच यानी कि मैच नंबर 45 खेला जाएगा 12 नवंबर को इंडिया और नेदरलैंड्स के बीच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में इंडियन टाइम के हिसाब से दोपहर में 2 बजे से यानी कि 2 PM से। तो आज की इस वीडियो में इस मुकाबले का कंप्लीट मैच प्रीव्यू करने वाला हूं, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि इस मैच के लिए एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की पिच रिपोर्ट क्या है, जबकि इस मैच में दोनों टीमें किस प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतरने वाली हैं। इसके अलावा इस मैच में एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की पिच पर कौन से गेंदबाज और बल्लेबाज ज्यादा इफेक्टिव साबित होंगे और किसको आपको अपनी फैंटेसी 11 में लेना चाहिए, जबकि इस मुकाबले का मैच प्रेडिक्शन भी करने वाला हूं। तो ओवरऑल ए टू जेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस मैच से जुड़ी इस वीडियो में मिलेगी, इसलिए ओवरऑल ये वीडियो होने वाली है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव, इसे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें, ताकि आपको क्रिकेट और IPL से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ और अपडेट्स लगातार मिलती रहें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट और वर्ल्ड कप 2023 से जुड़ी हर छोटी बड़ी न्यूज़ एंड अपडेट्स, इसके अलावा वर्ल्ड कप 2023 के सभी मैचेस की एक्यूरेट प्रेडिक्शन पाना चाहते हो तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसके अलावा कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर पिंड मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करके आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। और अब दोस्तों बात कर लेते हैं वर्ल्ड कप 2023 के मैच नंबर 45 के लिए एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की पिच रिपोर्ट के बारे में। तो अगर हम रीसेंट ODI मैचेस की बात कर लें जो कि इस मैदान पर खेले गए हैं, तो जो लास्ट 5 ODI मैचेस यहां पर हुए हैं उसमें से एक मैच फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम ने जीता है, तो वहीं 4 मैच सेकेंड इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं। इसके अलावा एवरेज फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर 276 रन्स का है, तो वहीं एवरेज सेकेंड इनिंग्स का स्कोर 225 रन्स का रहा है। जबकि वर्ल्ड कप 2023 के अभी तक 4 मैचेस इस मैदान पर खेले गए हैं, जिनमें से 3 मैच सेकेंड इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं, तो वहीं एक मैच फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम ने जीता है। तो आप इन आंकड़ों से क्लियरली देख सकते हो कि हाल फिलहाल में एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की पिच पर जिस टीम ने सेकेंड इनिंग्स में बैटिंग करी है उस टीम को ज़्यादा एडवांटेज मिला है, इसी वजह से चेस करने वाली टीम्स ने इस मैदान पर ज़्यादातर मुकाबले जीते हैं। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम पर रेड सॉइल की पिच यूज होती है और इस पिच पर बल्लेबाजी करना पूरे मैच में काफ़ी आसान साबित होता है, क्योंकि गेंद काफ़ी अच्छी गति और उछाल के साथ बल्ले पर आती है, तो स्पेस और बाउंस को ट्रस्ट करके बल्लेबाज अपने शॉट्स काफ़ी आसानी के साथ खेल पाते हैं। इसके अलावा एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के जो बाउंड्री डायमेंशंस हैं वो भी ज़्यादा बड़े नहीं है, छोटा मैदान है और आउटफील्ड काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, यही कारण है कि इस मैदान पर बहुत ज़्यादा चौके छक्के देखने को मिलते हैं और इसी वजह से वर्ल्ड कप 2023 में आपको काफ़ी हाई स्कोरिंग मैचेस भी देखने को मिले हैं। इस वर्ल्ड कप 2023 के जो 4 मैचेस इस मैदान पर खेले गए हैं उनमें से 2 मुकाबलों में काफ़ी बड़े स्कोर्स बने थे, जहां पर पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करते हुए 367 रनों का विशाल स्कोर बनाया था और जवाब में पाकिस्तान की टीम सेकेंड इनिंग्स में 305 रनों पर ऑल आउट हो गई थी, जबकि न्यूजीलैंड की टीम ने भी पाकिस्तान के खिलाफ फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करते हुए 401 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था और जवाब में पाकिस्तान की टीम ने भी 25.3 ओवर्स के अंदर 200 रन बना लिए थे 1 विकेट के नुकसान पर, लेकिन तभी बारिश आ गई थी और उसी वजह से उस मुकाबले का रिजल्ट डकवर्ट ल्यूज नियम के तहत निकालना पड़ा था। लेकिन जो बाकी के 2 मैचेस इस मैदान पर हुए थे वहां पे आपको फर्स्ट इनिंग्स के स्कोर 160 के आसपास और 170 के आसपास ही देखने को मिले थे, जो कि आसानी के साथ चेज हो गए थे। उन दोनों मुकाबलों में इंग्लैंड और श्रीलंका ने पहली पारी में बल्लेबाजी करी थी और इन दोनों टीमों के बल्लेबाज इस वर्ल्ड कप 2023 में काफी खराब फॉर्म में नजर आए थे, इसी वजह से उन दोनों मुकाबलों में आपको पहली पारी का स्कोर ज्यादा बड़ा देखने को नहीं मिला था। लेकिन जिन टीमों के पास स्ट्रांग बैटिंग लाइनअप मौजूद थी और उनके बल्लेबाज फॉर्म में थे उन्होंने इस पिच का भरपूर फायदा उठाते हुए बड़ा स्कोर खड़ा किया था। तो आप देख सकते हो कि इस वर्ल्ड कप 2023 में एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की पिच ने बल्लेबाजों को कितना ज़्यादा सपोर्ट किया है और इस मैच के लिए भी यही रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं कि एक बार फिर से आपको बैटिंग फ्रेंडली पिच देखने को मिलेगी, जिस पर दोनों टीमों के बल्लेबाज काफ़ी इंजॉय करेंगे बल्लेबाजी करना। तो एक बार फिर से आप हाई स्कोरिंग मुकाबले की उम्मीद कर सकते हो।
खास तौर पर अगर इंडियन टीम फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करती है तो उनकी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप को देखते हुए आप पहली पारी का स्कोर 350 के आसपास या फिर 350 के ऊपर का भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर नेदरलैंड्स की टीम फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करेगी तो उनके पास उतनी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप मौजूद नहीं है और सामने इंडियन टीम की खतरनाक गेंदबाजी लाइनअप भी होगी जो कि इस समय बेहतरीन फॉर्म में भी है, तो फिर नेदरलैंड्स की टीम आपको पहली पारी में ज्यादा बड़ा स्कोर बनाते हुए नजर नहीं आएगी। और मुझे लगता है कि भले ही ये मैदान चेजिंग ग्राउंड है, चेस करने वाली टीम को ज्यादा फेवर करता है, लेकिन इस मैच में जो भी कप्तान टॉस जीतेगा वो पहले बल्लेबाजी करने का ही फैसला करेगा। और अगर फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम 350 के आसपास या फिर इससे ऊपर का स्कोर बोर्ड पर लगा देगी तो उस स्कोर को चेस करना इस पिच पर काफी मुश्किल साबित होगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस मैदान पर खेले गए लास्ट 5 ओडीआई मैचेस के कुछ रिकॉर्ड्स की। तो जो हाईएस्ट टोटल इस मैदान पर बना है वो न्यूजीलैंड का है पाकिस्तान के खिलाफ 401 रन 6 विकेट के नुकसान पर। लोएस्ट टोटल इंग्लैंड का है श्रीलंका के खिलाफ 156 ऑल आउट। हाईएस्ट टोटल जो चेस हुआ है वो इंडिया ने किया है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 289 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। और लोएस्ट टोटल जो डिफेंड हुआ है वो ऑस्ट्रेलिया ने किया है पाकिस्तान के खिलाफ 367 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट्स। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं कि इस मैच में एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की पिच पर कौन से गेंदबाज ज्यादा इफेक्टिव साबित हो सकते हैं, स्पिनर्स या फास्ट बॉलर्स। तो वर्ल्ड कप 2023 के जो 4 मैचेस इस मैदान पर खेले गए हैं अगर हम उनके रिकॉर्ड्स की बात कर लें तो उसमें टोटल 38 विकेट्स फास्ट बॉलर्स ने लिए हैं जबकि 12 विकेट्स स्पिनर्स को मिले हैं। राइट आर्म फास्ट बॉलर्स ने 27 विकेट्स लिए हैं जबकि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स को 11 विकेट्स मिले। राइट आर्म ऑफ स्पिनर्स ने 3 विकेट लिए हैं जबकि राइट आर्म लेग स्पिनर्स को 5 विकेट मिले, तो वहीं लेफ्ट आर्म स्पिनर्स ने 4 विकेट्स लिए हैं। तो आप इन लास्ट 4 ओडीआई मैचेस के स्टैट्स से क्लियरली देख सकते हो कि हाल फिलहाल में एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की पिच से तेज गेंदबाजों को ज्यादा मदद मिल रही है, इसी वजह से फास्ट बॉलर्स ने स्पिनर्स के कंपैरिजन में इतने ज्यादा विकेट्स चटकाए हैं। खास तौर पर जो शुरुआती 10 से 15 ओवर्स होते हैं दोनों पारियों के, वहां पर तेज गेंदबाजों को पिच से ज्यादा मदद मिलती है, उनकी गेंद हवा में स्विंग भी करती है जबकि पिच से सीम मूवमेंट और काफी अच्छा बाउंस भी मिलता है, इसी वजह से वो आपको शुरू के 10 से 15 ओवर्स में 2 या 3 विकेट चटकाते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा अब जो हाल फिलहाल के मैचेस इस पिच पर खेले गए हैं वहां पर हमने देखा है कि मैच जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है तो ये पिच थोड़ा सा स्लो भी हो जाती है जिस वजह से वो तेज गेंदबाज भी इस पिच पर इफेक्टिव साबित हो रहे हैं जो अपनी गति में मिश्रण करते हैं, वेरिएशंस का इस्तेमाल करते हैं यानी कि स्लो डिलीवरीज और ऑफ कटर्स फेंकते हैं, जबकि पिच की स्लोनेस की वजह से मिडिल ओवर्स में अब स्पिनर्स को भी थोड़ी ग्रिप और टर्न मिल रही है जिस वजह से दोनों पारियों के मिडिल ओवर्स में अब आपको स्पिनर्स भी विकेट चटकाते हुए नजर आ रहे हैं। इस मैच में भी इंडिया हो या फिर नेदरलैंड्स, दोनों टीमों के पास कुछ अच्छे क्वालिटी के स्पिनर्स मौजूद होंगे जो कि इस पिच पर मिडिल ओवर्स में आपको विकेट्स चटकाते हुए नजर आ सकते हैं। खास तौर पर भारतीय स्पिनर्स को इस पिच पर मिडिल ओवर्स में ज्यादा विकेट्स मिल सकते हैं, पर अभी भी ओवरऑल मेरा यही मानना है कि इस पिच से तेज गेंदबाजों को ज्यादा मदद मिलेगी और इस मुकाबले में आपको फास्ट बॉलर्स ही ज्यादातर विकेट चटकाते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में मेरा आपके लिए सजेशन यही रहेगा कि अगर आप फैंटेसी 11 बना रहे हैं तो आपको अपनी प्लेइंग 11 में फास्ट बॉलर्स ज्यादा लेने चाहिए इन कंपैरिजन टू स्पिनर्स, और आप 3-1 के कॉम्बिनेशन के साथ जा सकते हो जहां पर आप 3 फास्ट बॉलर्स और 1 स्पिनर को अपनी फैंटेसी 11 में रख सकते हो। 1 स्पिनर में आप 1 लेफ्ट आर्म स्पिनर के साथ जा सकते हो। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस मैच के लिए दोनों टीमों की एक्यूरेट प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 के बारे में। तो अगर हम सबसे पहले इंडियन टीम की प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 के बारे में बात कर लें तो आपको इंडियन टीम की प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार की नजर आ सकती है। ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे कैप्टन रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल, नंबर 3 पर आ सकते हैं विराट कोहली, नंबर 4 पर श्रेयस अय्यर, नंबर 5 पर विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल, नंबर 6 पर सूर्य कुमार यादव, नंबर 7 पर रविंद्र जडेजा, नंबर 8 पर मोहम्मद शमी, नंबर 9 पर कुलदीप यादव, नंबर 10 पर जसप्रीत बुमराह और नंबर 11 पर मोहम्मद सिराज आ सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं नेदरलैंड्स की प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 के बारे में। तो आपको नेदरलैंड्स की प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार की नजर आ सकती है। ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे वेस्ले बेरिसी के साथ मैक्स ओडाउड, नंबर 3 पर आ सकते हैं कॉलिन एकरमैन, नंबर 4 पर साई ब्रैंड एंगलब्रेट, नंबर 5 पर कप्तान और विकेटकीपर बल्लेबाज स्कॉट एडवर्ड्स, नंबर 6 पर बास डीलीडी, नंबर 7 पर तेजा नेदामनुरु, नंबर 8 पर लोगान बानबीक, नंबर 9 पर रोलफ वॉन्डेमर्व, नंबर 10 पर आर्यन दत्त और नंबर 11 पर पॉल वॉन मीकरन आ सकते हैं।
इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं इस मुकाबले की मैच प्रेडिक्शन के बारे में। तो अगर हम सबसे पहले ओवरऑल हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात कर लें तो इंडिया और नेदरलैंड्स के बीच क्रिकेट के इतिहास में अभी तक सिर्फ दो वनडे मैचेस खेले गए हैं और ये दोनों वनडे मैचेस ओडीआई वर्ल्ड कप में हुए थे। पहला वनडे मैच खेला गया था वर्ल्ड कप 2003 में, जबकि दूसरा वनडे मैच खेला गया था वर्ल्ड कप 2011 में और ये दोनों वनडे मैचेस इंडियन टीम ने जीते थे। तो ओवरऑल हेड टू हेड रिकॉर्ड में भारतीय टीम का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं दोनों टीमों की रीसेंट फॉर्म के बारे में। तो इंडियन टीम ने जो लास्ट 5 मैचेस खेले हैं सभी मुकाबलों में शानदार जीत हासिल करी है। तो वहीं दूसरी तरफ नेदरलैंड्स की टीम ने जो लास्ट 5 मैचेस खेले हैं उसमें से सिर्फ एक मैच जीता है, जबकि 4 मैचेस में हार का सामना करना पड़ा है। तो एक तरफ इंडियन टीम है जो कि लगातार मैचेस जीत रही है और इस समय बेहतरीन फॉर्म में है, तो वहीं दूसरी तरफ नेदरलैंड्स की टीम लगातार मुकाबले हारती जा रही है और खराब फॉर्म में नजर आ रही है। और अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस मैच के लिए दोनों टीमों की तरफ से की प्लेयर्स की, जो कि इस मैच में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं और आप इन्हें अपनी फैंटेसी 11 में कैप्टन या वाइस कैप्टन भी बना सकते हो। तो अगर हम सबसे पहले बैटर्स की बात कर लें तो आप इंडियन टीम की तरफ से विराट कोहली के साथ जा सकते हो। पिछले 9 मैचेस में 599 रन बनाए हैं, 99 के बेहतरीन एवरेज और 88 के स्ट्राइक रेट के साथ। पिछले मैच में भी साउथ अफ्रीका के खिलाफ बेहतरीन शतकीय पारी खेली थी। इसके अलावा आप कैप्टन रोहित शर्मा को भी फैंटेसी 11 में रख सकते हो। पिछले 9 मैचेस में 523 रन बनाए हैं 58 के एवरेज और 125 के स्ट्राइक रेट के साथ। दूसरी तरफ आप नेदरलैंड्स की तरफ से कप्तान और विकेटकीपर बल्लेबाज स्कॉट एडवर्ड्स के साथ भी जा सकते हो। पिछले 10 मैचेस में 268 रन बनाए हैं 33 के एवरेज और 91 के स्ट्राइक रेट के साथ। इसके अलावा आप साई ब्रैंड एंगलब्रेट को भी फैंटेसी 11 में रख सकते हो। पिछले 7 मैचेस में 255 रन बनाए हैं 36 के एवरेज और 68 के स्ट्राइक रेट के साथ। अब दोस्तों बात कर लेते हैं बॉलर्स की। तो अगर हम सबसे पहले इंडियन टीम के बॉलर्स की बात कर लें तो यहां से आप राइट आर्म फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह के साथ जा सकते हो। पिछले 9 मैचेस में 18 विकेट्स ले चुके हैं 4 की इकोनॉमी और 24 के स्ट्राइक रेट के साथ। इसके अलावा आप लेफ्ट आर्म स्पिनर रविंद्र जडेजा को भी फैंटेसी 11 में रख सकते हो। पिछले 10 मैचेस में 17 विकेट्स लिए हैं 4 की इकोनॉमी और 28 के स्ट्राइक रेट के साथ। पिछले मैच में भी साउथ अफ्रीका के खिलाफ बेहतरीन गेंदबाजी करी थी और 5 विकेट्स चटकाए थे। इसके अलावा आप राइट आर्म फास्ट बॉलर मोहम्मद शमी को इस फैंटेसी 11 में जरूर रखना, जो कि वर्ल्ड कप 2023 में बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं। इस वर्ल्ड कप में 4 मैचेस खेले हैं और उसमें 16 विकेट्स चटका चुके हैं। दूसरी तरफ आप नेदरलैंड्स की तरफ से बेहतरीन ऑलराउंडर बैस डी लीडी के साथ जा सकते हो। पिछले 9 मैचेस में 19 विकेट्स ले चुके हैं 6 की इकोनॉमी और 21 के स्ट्राइक रेट के साथ, जबकि ये बल्ले के साथ भी बेहतरीन कंट्रीब्यूशन करने की क्षमता रखते हैं। इसके अलावा आप राइट आर्म फास्ट बॉलर लोगान वान बीक के साथ भी जा सकते हो। पिछले 9 मैचेस में 15 विकेट्स लिए हैं 5 की इकोनॉमी और 32 के स्ट्राइक रेट के साथ। और अंत में दोस्तों बात कर लेते हैं इस मैच के लिए मेरी अपनी विन प्रेडिक्शन के बारे में। तो एक तरफ इंडियन टीम है जो कि वर्ल्ड कप 2023 की स्ट्रॉन्गेस्ट टीम साबित हुई है। इंडियन टीम ने वर्ल्ड कप 2023 में 8 मैचेस खेले हैं और लगातार 8 मैचेस जीतकर पॉइंट्स टेबल पे नंबर 1 पर मौजूद है। भारतीय टीम वर्ल्ड कप 2023 में एक भी मुकाबला नहीं हारी है और इकलौती अनबीटन टीम है। इसी वजह से टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल में सबसे पहले क्वालिफाई किया था। तो वहीं दूसरी तरफ नेदरलैंड्स की टीम है जिसने वर्ल्ड कप 2023 में 8 मैचेस खेले और उसमें से सिर्फ 2 मैचेस जीते हैं, जबकि 6 मैचेस में हार का सामना करना पड़ा है। नेदरलैंड्स की टीम वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल की दौड़ से पहले ही बाहर हो चुकी है। अगर आप इस समय इंडियन टीम और नेदरलैंड्स की टीम का कंपैरिजन करोगे तो कोई भी मुकाबला नहीं है। नेदरलैंड्स की टीम इंडियन टीम के मुकाबले काफी ज्यादा कमजोर नजर आ रही है, लेकिन ये बात भी सच है कि नेदरलैंड्स ने इस वर्ल्ड कप 2023 में उम्मीद से बढ़कर अच्छा प्रदर्शन किया है। नेदरलैंड्स ने इस वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश जैसी मजबूत टीमों को हराया है। तो ऐसे में इंडियन टीम इस मुकाबले में नेदरलैंड्स को हल्के में लेने की गलती बिल्कुल भी नहीं करेगी। लेकिन इस समय अगर आप दोनों टीमों की प्लेइंग 11 का कंपैरिजन करोगे तो भारतीय टीम के पास काफी स्ट्रांग और बैलेंस्ड प्लेइंग 11 मौजूद है। टीम इंडिया हर डिपार्टमेंट में नेदरलैंड्स के मुकाबले काफी ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। फिर चाहे आप बल्लेबाजी की बात कर लो, गेंदबाजी की या फिर फील्डिंग की, हर क्षेत्र में भारतीय टीम नेदरलैंड्स से काफी ज्यादा आगे है और इंडियन टीम के पास नेदरलैंड्स के प्लेयर्स से ज्यादा एक्सपीरियंस भी है। तो यहां पर मुझे लगता है कि इस मैच में इंडियन टीम का पलड़ा बहुत ज्यादा भारी है।
जिस फॉर्म में भारतीय टीम नजर आ रही है, बड़ी बड़ी टीमें भी टीम इंडिया को नहीं रोक पाई है, तो मुझे नहीं लगता कि नेदरलैंड्स की टीम इंडियन टीम के इस विजय रथ को रोक पाएगी। और इस मैच में आपको भारतीय टीम वर्ल्ड कप 2023 में अपनी लगातार 9वीं जीत दर्ज करते हुए नजर आएगी। तो ऐसे में दोस्तों इस मुकाबले की जो मेरी विन प्रेडिक्शन है वो टीम इंडिया के साथ ही जाने वाली है। सो फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई मेरी अपनी विन प्रेडिक्शन की। आपको क्या लगता है किस टीम की प्लेइंग 11 ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रही है और आपके हिसाब से कौन सी टीम ये मैच जीतेगी, इंडिया या फिर नेदरलैंड्स? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वहीं पर क्रिकेट मैचेस की फैंटेसी प्लेइंग 11 और क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी न्यूज एंड अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन, टेक केयर, स्टे सेफ एंड गुड बाय।